नमस्कार दोस्तों, आज 12 मई, तो 12 मई के सभी शैक्षणिक समाचार हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ई पोर्टल है वो जारी कर दे करेगी जो अपलोड होंगे 10वीं के इसमें प्राप्तांक, उसके CBSE के विद्यार्थियों और स्कूलों के लिए सुविधा दी गई है। अभी पोर्टल 10वीं के प्राप्तांक वो जारी करेंगे। भारतीय नौसेना 12वीं पास के लिए 2500 पदों पर है भर्ती। स्टेनोग्राफर के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए जारी नोटिफिकेशन भी स्थगित कर दिया गया है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की सामाजिक दायित्व निर्वहन में अग्रणी रही भूमिका। स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं आप। चीफ मैनेजर AMDM भर्ती में मौका 21 मई तक आप आवेदन कर सकते हो इसके लिए भी। अर्जेंट बेसिस पर 50,000 डॉक्टरों के पदों पर भर्ती निकाली गई है। निजी स्कूलों में RT के तहत होने वाले प्रवेश प्रक्रिया फिर स्थगित कर दी गई। कोरोना के कारण आवेदन प्रक्रिया आगामी आदेश तक रोकी। 10 मई से शुरू होनी थी प्रक्रिया। युवाओं के भविष्य पर कोरोना का ग्रहण अटकी कई परीक्षाएं। RPSC साक्षात्कार और परीक्षा कैलेंडर बनाना नहीं आसान, कैलेंडर बनाने में मुश्किलें। CBSE के 10वीं में फेल विद्यार्थियों को मिलेगा मौका। न सुरक्षा न टीके, 1.5 लाख शिक्षकों की कोरोना में ड्यूटी। PTI लाइब्रेरियन को मिलेगा 6ठे वेतन आयोग का लाभ। CBSE 10वीं बोर्ड मूल्यांकन में मिलेगी मदद। दिव्यांग छात्र फोन के साथ ऑनलाइन दे सकेंगे परीक्षा। ग्रीष्मावकाश में घर पहुंचे शिक्षकों को बुलाया जा रहा है वापस। निजी स्कूलों को RT में फीस की पहली किस्त के पुनर्भरण की मांग। आज के समाचार यहीं से होते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।